नमस्कार दोस्तों, आज की लेमन ग्रास खेती की कड़ी में हम आज एक ऐसे फार्म पे आए हैं जो जिन मिस्टर विनोद जी का है। ये फार्म काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला है। शुरुआत करता हूँ, ये देखिए यहाँ इनकी ये हट है। ये लगभग 140 बीघे खेती कर रहे हैं, यानी करीब 100 एकड़। ये इनके छोटे मोटे ड्रम्स हैं जिसमें जीवामृत वगैरह बनाया करते हैं। ये वो लेमन ग्रास है जिसका तेल निकाला जाना है। तो मैं आपको इनका आज पहला टैंक दिखाता हूँ। ये नमस्कार, ये पुराने स्टाइल का टैंक है इनका, नावनुमा बना हुआ है और इसमें देखिए डबल निकासी है और इसके अंदर स्टील की कंडेंसर है, स्टील का कंडेंसर है। आज काफ़ी इससे इनसे सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। ये देखिए यहाँ तेल निकल रहा है और ये जो कलेक्टर है ये स्टील का है, प्योर स्टील। प्योर स्टील होने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है, काफ़ी तेल की वैरायटी अच्छी हो जाती है। और इस जगह से इनका ट्यूबवेल से पानी आता है। ये देखिए ये डब्बे इनके वर्मी कंपोस्ट और वेस्ट डिकम्पोजर के हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा इससे रेगुलर पानी बदला जाता रहता है, इससे नया पानी आता है। और इस ये निकासी है जो गर्म पानी है इससे बाहर निकाल लिया जाता है। पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होने पाता, टाइम टू टाइम ठंडा कर दिया जाता है। ये रही चिमनी और ये देखिए, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, इस टंकी में भैया कितने घंटे में तेल निकल आता है? 1.5 घंटा। हाँ, और 4 घंटे में तेल आता है। अच्छा, मतलब 6 घंटा लग जाता है। और उस टंकी में जो उधर है वो भी, अच्छा उसमें भी टाइम इतना ही लगता है, लगभग 6 घंटा। और इस टंकी में तेल कितना निकल आता है एक बार में? फिर भी भर देते हो पूरा तो कितना तेल निकल आता है? 9-10 लीटर निकल रहा है। 9-10? ये 1 टन से ज्यादा है टंकी? ये कितना है, 6x6 ऊंचाई 4 है। अच्छा, 6x6 नहीं, 6x8 होगा, ऊंचाई इसकी 4 है और नीचे इसका बेस 6x8 है। और वो टंकी में कितना तेल निकलता है एक बार में? इतने ही है। और तेल शुद्ध किस में होता है, उस वाले कंडेंसर में कि इसमें? इस वक्त क्या कलर का, लाल कलर का तेल आ रहा है, पीला आ रहा है? पेट्रोल कलर है, पीला। ये घास से पूरी की पूरी आग दी जाती है, लकड़ी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक चीज़ जो नोट करने वाली है, बताना चाहूँगा लोगों को, ये देखिए टंकी के जस्ट बगल में इन्होंने 9 इंची दीवार बना दी है और इसी के बगल में सारा घास फूस निकालते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बगल में घास फूस फैल जाती है, ये आग गलती से उसमें पकड़ जाए तो भारी मात्रा में तबाही मच सकती है, इसलिए ये दीवार बनाई गई। और ये पुरानी सूखा मटेरियल है जो लेमन ग्रास का तेल निकल गया, इसी को सुखा के इसी को यूज़ किया जाता है फर्दर। ये देखिए ये इनका दूसरा टैंक है, ये थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी का है, ऊपर ठंडा रखने के लिए कंडेंसर, ये रहा कंडेंसर। कंडेंसर को ठंडा रखने के लिए लगातार फ्लो के लिए 2 टैंक, ये 1000-1000 लीटर के हैं, तो करीब 2000 लीटर पानी इसमें भर दिया जाता है और इसके बाद पानी निकल बेहतर रहता है कंटिन्यूस इस कंडेंसर के अंदर और ठंडा होता रहता है। ये टैंक इनका नॉर्मल है, इस टैंक में कोई ऐसी खास अंतर नहीं है, 6x6 फुट का है। ये स्वराज हर्बल बाराबंकी से बनवाया हुआ है, मैं इनका भी वीडियो अगले हफ्ते बनाने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कंडेंसर यूनिट है, इसके अंदर जो स्टील की 72
पाइप्स होते हैं जिससे ये भाप इसके अंदर से निकल के इसमें जाती है और ऊपर से आने वाले पानी से जो उस पाइप के माध्यम से आ रहा है कंटिन्यू पानी यहाँ से फ्लो होता है और बहत्तर पाइप को जो वो ठंडा करता रहता है और उससे कंडेंस होके फाइनली तेल इस कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है। तेल बिल्कुल क्लियर। इसके बीच में मलाई पड़ी है कि हाँ, मलाई के नीचे पानी है। अच्छा, ऊपर आयल बिल्कुल पीले कलर का तेल है। आपको बता दें ये करीब 140 बीघे में इनका खेती हो रही है। बहुत बड़े फार्मर हैं ये। आप लोग इस फार्म को विज़िट कर सकते हैं जब चाहें। आज अभी तक ये है नहीं तो मुझे इनसे आपकी भेंट कराने का मौका नहीं मिल रहा। ये टंकी जैसे मेरी टंकी आपने देखी होगी उसी तरह इसमें भी दरवाज़ा है। बस अंतर इसमें सिर्फ कंडेंसर का है। मैं भी फ्यूचर में कंडेंसर लगाने का प्लान करूँगा तो इसी तरह का। ये देखिए यहाँ टेक्नोलॉजी में थोड़ा अंतर है। यहाँ पाइप से निकलने के बाद ये जो इसका जॉइंट है ये नट बोल्ट से काम किया जाता है और ये भी MS का ही इन्होंने इस्तेमाल किया है। SS स्टेनलेस स्टील यहाँ से आगे से स्टेनलेस स्टील है। यहाँ तक ये माइल स्टील ही है। और ये जो छतरी देख रहे हैं ये जो तानी हुई है ये इसलिए है कि जो बंदा आग देता है उसको छाए में बैठ के काम करने का मौका मिले। अभी ये इसका तेल निकाला जा चुका है। इसमें भैया टैंक तेल कब निकला? अभी निकाला गया? नहीं, तो निकला नहीं। अच्छा, शुरू करेंगे? पर आग तो जलती हुई दिख रही है। नहीं, बंद किया अभी। अच्छा, निकल चुका? हाँ। कितना निकला पिछले टैंक में? अभी निकाल छटाई नहीं, अलग नहीं किया गया? अच्छा अच्छा, ये देखिए ये तिरपाल यहाँ पे सूखी हुई घास रखते हैं ताकि अचानक बारिश आ जाए तो ये गीला ना होने पाए, वरना सारा काम बारिश में जो डिपेंडेंट है इस सूखी घास पे है जिससे आग लगाई जाती है। अगर लेमन ग्रास की कटी हुई घास थोड़ी सी गीली हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सूखी घास पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये देखिए ऑर्गेनिक तरीके से बोया हुआ धनिया, लहसुन और काफ़ी कुछ है। कुछ यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं और आगे आप उधर देख सकते हैं वो तुलसी है, उसी के आगे सतावर है और ये सारी लेमन ग्रास है जिन्होंने कई नए स्टाइल से बोई है, जिसमें कहीं से में 2x2 का गैप है, किसी में 1x1.5 का गैप है, किसी में 1x1 का है। ये इसके बारे में जब विनोद जी आएंगे तो मैं आपकी इनसे बात कराऊंगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैं गारंटी नहीं देता विनोद जी कब मिलेंगे, जब मिलेंगे तो ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और ये हैं राहुल यादव जी, सबसे पहले वीडियो मैंने इन्हीं का बनाया था। अभी फ़ोन पे बिजी हैं, फिर बात कराता हूँ इनसे। वो देखिए बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है यहाँ पे। वो देखिए वहाँ अभी घास कटने के बाद उठाई जा रही है, वो कलेक्ट होकर इधर आएगी। ये सब लेमन ग्रास है। जहाँ जहाँ तक आपको दिख रहा है इन्हीं के खेत हैं और सब में ज़्यादातर में लेमन ग्रास है जो कट चुकी है। ये देखिए इनका मिनी गार्डन, यहाँ के यहाँ से अपने घर ले जाते हैं सब्जियाँ, प्योर ऑर्गेनिक सब्जी। और ये जगह है जहाँ पे लेमन ग्रास की सूखी घास उसको इन्होंने नीचे गड्ढा बना के पन्नी डाल दी है नीचे, ताकि जो इसके सड़ने के बाद जो खाद मिले वो मिट्टी में मिक्स ना हो जाए। वहाँ भी गड्ढे में बनी हुई है, यहाँ तो इन्होंने काफ़ी हद तक निकाल ली है। इसके ऊपर फिर ये वेस्ट डिकम्पोज़र जो बना हुआ है इसका छिड़काव करते हैं, जिससे अपनी खेत के लिए इनको सड़ी खाद यहीं मिल जाती है।